आज हम बनाएंगे दो मीडियम साइज के आलूओं से ढेर सारी समोसा मटरी। मैं समोसा मटरी से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसको हम बनाएंगे ना तो बिल्कुल इसका टेस्ट समोसे की तरह आएगा। और ये मटरी है और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रख के एक महीने तक खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है मटरी बनाने के लिए 2 कप मैदा। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच ही डालेंगे हम इसमें अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह हाथ पे क्रश करके डालेंगे जिससे कि इसकी खुशबू और अच्छी आने लगेगी। और साथ में ही डालेंगे इसमें नमक और 1/4 कप डालेंगे हम ये जो नीचे वाली लकीर होती है ना, इतना ऑयल। आप चाहें तो ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। आप अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी इस तरह से मुठ्ठियाँ सी बनने लगी है। वो ये 2 मैंने आलू ले लिए हैं काट के। इसके साथ ही डालेंगे हम ये 3 से 4 हरी मिर्चें और ये 1 प्याज ले लिया है मैंने छोटे साइज़ का और ये 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। तो इस सबको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे हम मिक्सर में डाल के। और हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। तो अब इसी से हम हमारा मछली का आटा गूंदेंगे। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि मुझे ये ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। अब हम इसे आटा गूंद लेंगे। तो जिस तरह से हम पूरी का आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमें इसका सख्त सा डो लगाना है। तो ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। और ये इतना आलू हमारा बच गया है। तो अब 10 मिनट हो गए हैं, हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरी से भी छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं इसकी। तो आपको जिस साइज़ की मछली बनाना है उस साइज़ की लोइयाँ बना सकते हैं इसकी। अब हम इन्हें बेल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है। तो जिस तरह से हमने पूरी रखते हैं ना उतनी ही मोटी मोटान रखी है इसकी। थोड़ा सा लगाएंगे इस पे ऑयल और थोड़ा सा लगाएंगे हम इस पे सूखा मैदा और इसको उठाकर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको हल्का सा बेल लेंगे। तो ये देखिए समोसे की शेप में आ गई है। इसी तरह से हम साड़ी तैयार कर लेंगे। अब मैंने साड़ी तैयार करके रख ली है और मैंने ऑयल भी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो ऑयल हमें एकदम तेज़ नहीं चाहिए, मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है मैंने ऑयल। तो देखिए हल्के हल्के बबल आ रहे हैं। तो जितनी हमारी पैन में आ जाएंगी हम उतनी डाल देंगे। देखिए इसमें बिल्कुल हल्के हल्के बबल आ रहे हैं, हमें इतना ही गर्म ऑयल चाहिए। अगर ऑयल तेज़ गर्म होगा तो ये जल्दी से कलर आ जाएगा इसमें और अंदर तक से ये खस्ता नहीं हो पाएंगी। और जैसे ये एक तरफ से सिक जाएंगी तो ये ऊपर आने लगेंगी। तो देखिए ये ऊपर आ गएंगे। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और अलटते पलटते हुए इस पर अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, अच्छा कलर आ गया है इन पे, अच्छे से सीख गई हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारी मटरी हमारी बनकर तैयार है और ये बिल्कुल खाने में समोसे की तरह ही लगती है। इसको आप चाय के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। देखिए कितनी खस्ता बनी है।